हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 16। वाह, क्या मैच खा रहा है ये। तो देखते हैं, इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी नॉट ई और नॉट एफ 0.25 स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा। लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, ये ठीक है। दिया कितना है, 0.25 ये दिया गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन एफ डैश ठीक है ना, इज इक्वल टू 0.25 राइट। अब यहां क्या करना हो, बाई डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एफ ये हो जाएगा ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0.25। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होती है, 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, यही तो होगी। सॉरी सॉरी, यह होगा यूनियन ठीक है, ये होगी। अब इसकी वैल्यू दी कितनी है हमें, 0.25। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लगाएंगे तो 1 माइनस के 0.25 हो जाएगा, और ऐसे इससे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ठीक है। अब ये इक्वल किसके दिखानी, इक्वल दिखानी ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है क्या। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये 0.75 इजिकल टू क्या 5 के इक्वल है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ये यही खराब होता है क्वेश्चन। तो यहाँ लिख देंगे सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17, 17 में ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0.16 डिटरमाइन। अब ये डिटरमाइन मुझे क्वेश्चन बताने ही है। तो देखिए गिवन दिया है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखना है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिया है 0.48, और दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है 0.16। ये पॉइंट दिए गए हमें, अब फाइंड करना है ये फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, अब ए डैश का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अब ये यहां हो गया किससे, बाई डी मॉर्गन लॉ, किससे हो गया, बाई डी मॉर्गन लॉ से ये कंप्लीट हो गया यहां। अब क्या होता है, 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये पॉइंट हो जाएगा ठीक है। जब ये हो जाएगा, ए डैश नहीं होगा यहाँ, ए होगा सिर्फ, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या निकलेगी, 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कितनी है, 0.42, इसे इससे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.58 आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब ये वाला। तो सेकंड पार्ट के अंतर्गत क्या आएगा देखिए, अब सेकंड पार्ट में लिखा क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी नॉट बी मतलब प्रोबेबिलिटी बी डैश इसको अगर तोड़ेंगे तो बाई डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ से करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू होगा 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है। तो यहां हो गया 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कितनी है,
0.48, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.48, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की कितनी हो जाएगी, इसे इससे माइनस करें तो 1.52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमें, देखिए थर्ड पार्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मतलब क्या होता है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसे लगाना है मुझे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनकी सारी वैल्यू दे रखी हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी 0.42, प्लस के 0.48 की इसकी वैल्यू थी और इसकी लास्ट की वैल्यू थी 0.16, ये वैल्यू थी, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसे इन्हें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.90, माइनस के 0.16 को माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए माइनस करेंगे तो 0.74 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब 18 क्वेश्चन को एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, और तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।